हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ कुछ इस तरीके का ऑयल, हेयर ऑयल शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, और कंट्रोल होने के बाद आपकी हेयर बहुत ही तेज़ी से आपकी हेयर ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो इस तरीके का वीडियो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके हेयर ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, तभी पूरी बात समझ आएगा। और आपको मैंने अगले वीडियो जो मैंने अपलोड किया है वो वाला वीडियो हेयर मास्क की है, और वो हेयर मास्क आपको यूज़ करना है, और ये हेयर ऑयल भी यूज़ करोगे तो आपके हेयर ग्रोथ की जो तेजी है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो उस रेमेडी को, उस ऑयल को किस तरीके से बनानी है, तो चलिए वीडियो शुरू करें। तो सबसे पहले आपको प्याज ले लेना है, छोटी वाली प्याज है तो दो ले लेना है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी प्याज है तो आप एक ही प्याज से हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा आप ऑयल ऐड करोगे तो ऑयल के हिसाब से आपको प्याज की क्वांटिटी घटानी है और बढ़ानी भी है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक कप ही मैंने तेल लिया है, तो इसके एक कप तेल के लिए मैंने छोटी छोटी प्याज को, दो प्याज को मैंने यहाँ पर कट करके इसकी लेयर को निकाल के अलग अलग आपको करनी है, इस तरीके से, इस तरीके का पीस बनानी है। और एक पैन को गर्म करना है, और मेरे पास एक कप जितना है नारियल का तेल था, इसलिए मैंने इसी हिसाब से प्याज को कट किया है। आपके पास ज़्यादा बना कर रखना चाहते हो तो 3 महीने तक रख कर इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस ऑयल को, और आपको ज़्यादा बना कर एक ही बार में रखना चाहते हो तो 2 कप 3 कप आप ऐड करोगे, तो उसी हिसाब से प्याज की क्वांटिटी भी बढ़ानी है। ठीक है, और इसको हल्का जब गर्म हो जाएगा तेल, तो इस पर प्याज लगा देना है, और बिल्कुल गैस को धीमी आँच पर रखना है, और इसको भून लेना है 5 से 10 मिनट तक। इसको प्याज जलना नहीं चाहिए, और प्याज बहुत ही अच्छा होता है आपकी बालों के लिए, आपकी अनियन हमारी हेयर ग्रोथ को, हेयर को ग्रोथ करने का, करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। ठीक है, तो अनियन में होता है सल्फर, सल्फर में एक कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल कंट्रोल हो जाती है, और कंट्रोल हो जाने के बाद आपकी हेयर ग्रोथ करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। और नारियल का तेल तो आपको पता ही है, नारियल के तेल आपकी जो हेयर स्कैल्प पर है, आपकी जड़ों पर बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाती है, बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाती है बाकी तेलों से। ठीक है, तो इसको 5 मिनट तब हो जाएगा, इसको जलने नहीं देना है। मेरे वीडियो में थोड़ा जल गया है, तो आपको नहीं जलानी है, और आपको इस तरीके से धीमी आंच पर रखकर इसको पकानी है। जब 5 मिनट हो जाएगा तो आपके पास जो सूखा हुआ होता है आंवला होता है, उसको भी पीस कर ऐड कर सकते हो, और पाउडर है तो भी आपको ये आंवला का पाउडर आपको 1 चम्मच इस पर ऐड करनी है। ठीक है, और इसको भी भून लेना है, और इसको आपको 1 चम्मच मेथी दाना आपको इस पर ऐड करनी है, और मेथी दाना भी ऐड कर लीजिए, और इसको 5 मिनट तक इसको ऐसे ही भून लीजिए। जब ये 5 मिनट हो जाएगा, 5 मिनट हो जाने के बाद इसको गैस की फ्लेम जो बंद कर दीजिए, गैस बंद करने के बाद इसको 4 घंटे 5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 4-5 घंटे हो जाने के बाद आपको एक कॉटन की कपड़े लेना है, कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसको, ये जब ठंडी में जम जाता है, जमने के बाद इसको हल्का गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद ये पिघल जाता है। उसके बाद आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है, कॉटन के कपड़े की हेल्प से इसको छान कर एक कंटेनर में आराम से स्टोर करके 3 से 4 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा बनाकर भी स्टोर करके, जब आप बनाओगे, ज़्यादा बनाओगे तो जो मेथी है, जो आंवला है और प्याज है, उसकी क्वांटिटी को भी आपको बढ़ानी है, और ऑयल को भी ज़्यादा करके आपको ज़्यादा क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी सारे को कर, सारी करके आपको ऑयल बनाकर आप ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पास कोकोनट ऑयल कम था, तो इसलिए मैंने कम ही बनाकर रखा है, क्योंकि ये मैं ये रेगुलर यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मेरी हेयर है छोटी छोटी है, ग्रोथ होने लग गया, इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आपको हमने यहाँ पर आंवला का तेल भी ऐड किया। ठीक है, आंवला में होता है बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी बहुत ज़्यादा पाया जाता है इस पर, और ये आंवला जो है आपके हेयर को ब्लैक भी करता है, जड़ों से ब्लैक करता है, और आपकी स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो आपकी हेयर ग्रोथ होने लग जाएगा। तो हेयर ग्रोथ हो करने के लिए आंवला बहुत ही बेस्ट माना जाता है। हेयर फॉल को भी ये कंट्रोल करता है, डैंड्रफ को भी ये रिमूव करता है। ठीक है, तो दूसरा हमने यहाँ पर मेथी ऐड किया है। मेथी में बहुत ही अच्छी अच्छी गुण पाया जाता है। मेथी में निकोटेनिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर फॉल कम हो जाती है, उसकी वजह से आपकी हेयर ग्रोथ होने लगती है। आपकी हेयर पर डैंड्रफ है, उसको भी ये मेथी रिमूव करता है, और आपकी स्कैल्प जो है ड्राई रहता है, तो उसको भी ये ठीक करता है। ठीक है, इस तरीके से आपको वीक में 1 से 2 बार यूज़ करना है। मैंने अगले वीडियो में मैंने अपलोड किया था हेयर मास्क, उसको ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से उस मास्क को यूज़ करोगे और ये ऑयल को यूज़ करोगे, तो आपकी 1 महीने के बाद जो हेयर ग्रोथ होगी ना, डेफिनेटली यार आपकी हेयर बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ हो जाएगा। तो आपको ज़रूर ये यूज़ करना है, इसको स्टोर करके
रख लेना है और हेयर को अच्छी तरीके से लगानी है पहले, और मसाज करना है 10 से 15 मिनट तक। 10 से 15 मिनट तो मसाज बहुत ही ज़रूरी होता है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल माना जाता है। तो अच्छी तरीके से इसको मसाज करना है, उसके बाद आपके हेयर को 2 घंटे तक रखना है, ठीक है। रात को लगा कर भी सो सकते हो और सुबह दिन में 2 घंटे लगा कर भी हेयर को वॉश कर सकते हो। और इस तरीके से आप करोगे तो आपको डेफिनेटली हेयर ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से हो जाएगी। तो वीडियो इस तरीके का और भी चाहिए, तरीके का बेनिफिशियल वाला वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए इस वीडियो को। और आप सभी को इस तरीके का अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही, प्लीज़ वीडियो अच्छी है आपको लाइक करना है, आपको यूज़ करना है, मेरे साथ फीडबैक आपकी शेयर भी करना है यार। वीडियोस देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए, एंड आप शेयर भी कर सकते हो, कमेंट्स भी कर लीजिए। और आप सभी से मिलती हूँ मैं ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर।